नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना बूटस्ट्रैप का फर्स्ट प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। हाउ टू सेटअप योर फर्स्ट बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम ओपन कर लेंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट getbootstrap.com और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे बूटस्ट्रैप की फाइल्स। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, बूटस्ट्रैप गेट स्टार्टेड और डाउनलोड, तो हम यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपाइल्ड CSS एंड JS, यहाँ से CSS और JS की फाइल मिल जाएगी बूटस्ट्रैप की। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि दिस डजंट इंक्लूड डॉक्यूमेंट सोर्स फाइल, इसमें कोई सोर्स फाइल नहीं होगी। और एनी ऑप्शनल JS, कोई ऑप्शनल JS, jQuery की फाइल और pop.js ये नहीं होगी, तो इसको आपको इंक्लूड करना होगा अलग से। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है और ये हो गई, 609 KB की फाइल है ये डाउनलोड हो गई है। अब इसको चलिए हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये बूटस्ट्रैप 1.4.1.3 ये फाइल आ गई है। इसको चलिए हम अनजिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गई बूटस्ट्रैप की फाइल, इसमें आपको मिल जाएगी JS और CSS। यहाँ पे आपको JS और CSS की फाइल मिल जाएगी। अब हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो चलिए एक कम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। एक हमें क्रिएट करना होगा फोल्डर, यहाँ से हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे अपनी फाइल्स को रखेंगे। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो हमें JS का एक CSS की फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एक JS का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये दो फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से हमें CSS की फाइल, अब मैं आपको बता दूँ, इसमें से आपको ढेर सारी फाइलें दिख रही हैं, बट इनमें से आपको केवल एक फाइल यूज़ करनी है, वो ये है bootstrap.css। या आप इसका मिनीफाइड वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो bootstrap.min यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको bootstrap.min की फाइलें ले लेता हूँ और इसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर देता हूँ। तो ये CSS मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, मतलब अपने फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर में रख लिया। अब यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से CSS की फ़ाइल उठा लेते हैं, वैसे ही जैसे आपने उठाया उसका। अब यहाँ से आपको उठाना है bootstrap.min, ये फाइल उठानी है और इसको अपने फोल्डर में रख लेना है। यहाँ से जाएंगे JS वाले फोल्डर में, आपको इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक HTML फाइल क्रिएट करनी है जिसमें आपको कोड लिखना है। तो चलिए इसके लिए हम नोटपैड का यूज़ करेंगे। ये हमने नोटपैड ओपन कर लिया, फाइल वन ओपन है। इसको हम सेव कर लेते हैं एज ए HTML। तो इसको हम करते हैं सेव एज, डेस्कटॉप पे हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है उस फोल्डर में, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम करते हैं index.html, इस नाम की हम फोल्डर को, फाइल को सेलेक्ट, नाम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे जो फाइल टाइप हम HTML ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको HTML मिल जाएगा, ये आपका HTML index.html, इसको हम सेव कर देते हैं। तो जैसे अब आप जाके फोल्डर में चेक करेंगे अपने, तो वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा index.html फाइल। अब इस फाइल में आपको अपने कोड को लिखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ऊपर डॉक टाइप, ये हम डिफाइन करते हैं।
डॉक टाइप क्या है हमारा, HTML है, ये हम डिफाइन कर दिए। इसके बाद हम लिखेंगे HTML। जैसा कि अगर आपको HTML की जानकारी है थोड़ी बहुत, तो आपको पता होगा कि कैसे HTML का फॉर्मेट लिखते हैं। HTML ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, हेड के अंदर हम ये CSS HTML को इंक्लूड करेंगे, फिर बॉडी के अंदर हम अपनी जो HTML है उसको लिखेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, तो ये आप ध्यान से देखिए इसको। अब हम यहाँ से HTML ओपन कर दिया हमने। अब इसके अंदर हमें लिखना है हेड। इस हेड के अंदर हम अपने फाइल को इंक्लूड कराएंगे, तो CSS फाइल को इंक्लूड कराने के लिए हम लिखते हैं लिंक टाइप इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे आपको टाइप नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है रेल स्टाइल सीट। ये आपको लिखना है, और इसके आगे HREF फाइल का नाम आपको कॉल करा देना है। तो यहाँ से आप देख लीजिए आपके फाइल का पाथ क्या है। तो सिंपल आपका पाथ जो है, यहाँ पे आपको लिखना है css/bootstrap.min.css। तो ये हो गया आपका फाइल, इंक्लूड हो गया बूटस्ट्रैप की फाइल। अब ऐसे ही आपको JS की फाइल को इंक्लूड करना है इसमें। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रिप्ट, और इसमें लिखना है आपको टाइप, और इस टाइप में आपको लिखना है टेक्स्ट स्क्रिप्ट। यहाँ पे आपको लिखना है जावा स्क्रिप्ट। ये हो गया। अब इसमें आपको फाइल को इंक्लूड कराना है src फाइल का नाम। तो सेम आपको फाइल का नाम उठाना है यहाँ से, जैसे ये हमने उठाया, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे CSS की जगह JS कर देते हैं। सेम सॉरी, यहाँ पे JS कर देते हैं। तो ये हमारा डिफाइन हो गया बूटस्ट्रैप की CSS और JS। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और लिखनी होगी, जो मेटा रिस्पॉन्सिव के लिए हमें मेटा लिखनी होगी, जो कि मोबाइल के लिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू पोर्ट, ये हम डिफाइन करेंगे मेटा, व्यू पोर्ट मेटा, जो कि मोबाइल के लिए यूज़ होता है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोबाइल। बूटस्ट्रैप में जो भी प्रोजेक्ट बनती है, वेबसाइट बनती है, वो रिस्पॉन्सिव होती है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको करनी है। यहाँ पे हमने आपको ये तो दिखा दिया कि बूटस्ट्रैप की JS और CSS। अब यहाँ पे आपको जावा jQuery की एक फाइल आपको इंक्लूड करानी होगी, जिसके साथ ये आपका वेबसाइट वर्क करता है। तो यहाँ से हम चलते हैं jQuery.com पे, और वहाँ से jQuery की फाइल डाउनलोड कर लेते हैं हम। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं jQuery। अब यहाँ पे आप देख लीजिए लेटेस्ट चल रहा है ये, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, सेव एज। अब आपको कहाँ सेव करना है इसको आप देख लीजिए। जैसे बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट में हम जाते हैं JS के अंदर, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया। अब आप फोल्डर में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ JS की फाइल मिल जाएगी, jQuery। तो इसको आप इंक्लूड इसको भी कराना होगा। और दोस्तों एक चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि जो JS की जितनी भी फाइलें होती हैं, वो आपको जो बॉडी होता है, आप हेड में JS को डिफाइन नहीं करना है। मैंने अभी डिफाइन कर दिया, मैं इसको आपको बताता हूँ कहाँ पे इसको रखना है।
इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और ये यहाँ पे इसको लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी, यहाँ से हमारी बॉडी शुरू होगी। तो जो ये JS की फाइलें हैं इसको हम उठा के रखेंगे नीचे बॉडी में, आपको हेड में ये नहीं रखना है। जितनी भी स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट होंगे या फाइलें होंगे वो बॉडी में नीचे सबसे डिफाइन होती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने ये इसको नीचे कर दिया। अब हम आपको एक डेमो बना के दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं आपको कुछ भी H1 के अंदर माई बूटस्ट्रैप फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब इसको हम ओपन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ जाएंगे आपको ये मिल जाएगा, इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है। तो इसको चलिए मैं ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखिए आप, हमारा जो हमने यहाँ लिखा था वो चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। बट ये तो सिंपल है, अभी हमने इसमें बूटस्ट्रैप की कोई जो कि क्या कहते हैं कोई हमने यूज़ नहीं किया, अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया। अभी हमने केवल यहाँ पे आपको डिफ़ाइन किया है CSS और JS डिफ़ाइन किया है, और ये सिंपल एक हमने लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है इस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप का यूज़ करना, बूटस्ट्रैप के जो टैग्स हैं उनको यूज करना, रिस्पॉन्सिव मोबाइल बूटस्ट्रैप के थ्रू आप रिस्पॉन्सिव मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये रिस्पॉन्सिव है, उनकी जो वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की वो रिस्पॉन्सिव ऐसे दिखती है मोबाइल में, तो इस तरीके से दिखेगा जैसा ये इनका दिख रहा है सब कुछ, ये देखिए। तो ये मैं इस वीडियो में आज इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम का कैसे आप यूज करेंगे बूटस्ट्रैप में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।